हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये है चटपटा नाश्ता। आप रोज़ रोज़ के नाश्ते से बोर हो जाते होंगे, तो ये है चटपटा नाश्ता। ये हमारे केवल दो इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी हमारे बन के तैयार हो जाते हैं कम ऑयल में। तो आइए सीखते हैं कि कैसे बनते हैं। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना चटपटा नाश्ता बनाना। इसके लिए हमने चार उबले हुए आलू लिए हैं, मीडियम साइज के हैं, और हमने एक कप पोहा लिया है। इसको हमने दो बार धुल लिया है पानी से और उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए रख दिया। ये देखिए, ये ऐसे ही सॉफ्ट हो गया है। पानी इसका छान के हमने रख दिया था तो ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये एक कप पोहा है। 1/4 चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। नमक स्वाद अनुसार लेना है। आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर का यूज किया है। 2 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें ऑयल का यूज किया है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। 1 इंच हमने अदरक ली थी, उसको हमने ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली थी, उसको बारीक काट लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है, उसको हमने बारीक लेके काट लिया। सबसे पहले साफ हाथों से आलू को लेके हम मैश कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इवनिंग स्नैक के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हेल्दी भी है, बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, गुठलियाँ ना रहे। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें जीरा पाउडर लेके डालेंगे, चिली फ्लेक्स लेके डालेंगे, रेड चिली पाउडर लेके डालेंगे और चाट मसाला लेके डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो ये बात ध्यान देके आप डालें। हरी मिर्च ले लेंगे, अदरक ले लेंगे, धनिया की पत्ती ले लेंगे और ये जो पोहे हमने तैयार किए हैं देखिए, इसको लेके डाल देंगे हम। ये पोहे जैसे मैंने बताया था, दो बार मैंने धुल लिए थे, उसके बाद इसका पानी छान के रख लिया है। ये सॉफ्ट हैं एकदम। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लेके हमें अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि ये एकदम आलू और पोहा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ऐसे मिलेट हो गए हैं। तो अब हम ककलेट का शेप दे देते हैं इसको। ऐसे ले लें स्मॉल, जिस भी पोर्शन में आपको चाहिए, बड़ा पोर्शन चाहिए तो बड़ा कर लें, नहीं तो छोटा। आप इसको जैसे टिक्कियाँ होती हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे हम तैयार कर लेंगे सारे अपने टिक्की के आकार के। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, एक लॉट मैंने तैयार कर लिया है। अब ये हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब इसमें ऑयल लेके डालेंगे, इसको अच्छे से फैला लेंगे, ऑयल को थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ये जो हमने कटलेट्स तैयार किए थे लेके डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम सेक लेंगे अच्छे से। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम हल्के हाथों से इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितने कम ऑयल में ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जा रहा है। तो हम इसको दोनों साइड से ऐसे ही पका लेंगे। जैसा कि इधर कलर आया है तो दूसरी तरफ भी ऐसा ही कलर कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी पका लेंगे। देखने में अभी से कितना अच्छा टेम्पिंग लग रहा है। अब ये दोनों तरफ से हमारे ककलेट सिक के तैयार हो गए हैं, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे ककलेट्स बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, पोहे आलू के ककलेट्स एकदम कम तेल में बन के तैयार हैं। तो आप भी बनाइए अपने परिवार के साथ।
इसको लुफ्त उठाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। ओके, बाय।